गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक के दो हेडिंग हैं सेक्टर एंड सेगमेंट। पहले मैं दोनों बना के दिखा दूं, सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये दोनों ही सर्किल के पार्ट होते हैं और अपने जब सर्किल पढ़ना शुरू किया था चैप्टर कभी किसी क्लास में तो ये सेक्टर सेगमेंट नाम उस टाइम भी ज़रूर आया होगा, लेकिन अभी आपको मैं एक ऐसी चीज़ समझाना चाहता हूँ जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाली है। अब ये मैंने दो सर्किल बनाए, दोनों सर्किल में मैंने कुछ शेडेड ग्रीन कलर से मैंने शेड किया है। इसमें से एक सेक्टर है और एक सेगमेंट है। अब आप इसको ध्यान से देखना कि किसको सेक्टर कहते हैं और किसको सेगमेंट कहते हैं। मैंने दोनों के नाम लिखे हैं। सेक्टर वो एरिया होता है सर्किल का जो दो रेडियस के बीच का डिस्टेंस होता है। द एरिया बिटवीन द रेडियस टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। और ये जो लाइन है ये एक कॉर्ड है, तो एक सर्किल को एक कॉर्ड दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, तो दोनों ही पार्ट इसके क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले हम सेक्टर से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं और हमें इसमें मैक्सिमम हमें क्या चीज़ पढ़नी होगी, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाएगा, एक बहुत ही अच्छे से सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक सर्किल को मैं कुछ ऐसे डिवाइड करता हूँ कि जो सेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, क्योंकि दो रेडियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो एंगल में 90 डिग्री मेज़र हुआ है। और जो एरिया हमें यहाँ फाइंड करना है, जो एरिया यहाँ फाइंड करना है हमें, ये एरिया जितना सर्किल होगा, जितना एरिया ऑफ सर्किल होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय 4। अभी मैंने यहाँ 4 क्यों यूज़ किया है, मुझे कैसे पता कि यहाँ 4 ही का, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है और यहाँ हमें एंगल दिया है 90 डिग्री। इसका मतलब कितने रोटेशन बनते हैं इस सेक्टर के, इसके रोटेशन बनते हैं 4। इसका मतलब जितना एरिया इस सर्किल का था उसका 1/4 एरिया इस सेक्टर का होगा, 1/4 एरिया इस सेक्टर का होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम 180 डिग्री यूज़ करेंगे, 180 डिग्री यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि 180 डिग्री जो लाइन होती है वो सर्किल के एकदम सेंटर से होकर जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसको हाफ डिवाइड करती है। ये डायमीटर होता है, यानी डायमीटर डिवाइड से सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 180 डिग्री को मैं कैसे यूज़ कर सकता था, 360 डिवाइडेड बाय 180, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स होता है, यानी जितना एरिया सर्किल का होगा, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय 2, इसका सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ये तो वो एग्जांपल थे जब आपको सीधे पता है कि 180 डिग्री हाफ होता है और 90 डिग्री 1/4 होता है। लेकिन अगर ये डिग्रीज आपके 90, 180 ऐसे ना हो, 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, तब आपको क्वेश्चन में सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है ये अभी हम देखेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा और फॉर्मूला एरिया से रिलेट करता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया, सबसे पहले तो हमें सर्किल के एरिया का तो यूज़ करना ही करना है, इसीलिए सर्किल का एरिया होता है जो हम पाई आर स्क्वायर पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय जो पाई आर स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360। ये थीटा अपॉन 360 का मतलब है जितना डिग्री, थीटा इज द एंगल, जो एंगल हमें दिया होगा वो थीटा होगा, थीटा का मतलब वो अननोन एंगल, तो जो थीटा एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड कर देंगे और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सर्किल के एरिया से, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने की है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं चलता है कि कैसे घुमा के पूछा जाएगा। तो आप अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया होगा आप इजीली कर पाओगे। तो आप इसके लिए क्या करना है, मैं जो अभी दोबारा समझा रहा हूँ इसको समझना। हमने सबसे पहले क्या देखा कि सेक्टर जो होता है वो एक सर्किल का एक पार्ट होता है। सेक्टर एक सर्किल का पार्ट होता है और वो दो रेडियस के बीच का एरिया होता है। ठीक है, ओके। यानी आप क्या, जैसे भी मैंने ऊपर दो एग्जांपल दिए थे 90 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, उन दोनों एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि हमें एरिया मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 यूज़ किया था, तब हमें सेक्टर का एरिया समझ में आया था, तब हमने फॉर्मूला बनाया था एरिया का, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी जितना एरिया सर्किल का था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितना पार्ट उस सेक्टर का बनता है पूरे 360 डिग्री में से, कितना पार्ट बनता है 360 डिग्री में से, थीटा पार्ट बनता है, इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन अगर यही चीज़ अगर ऐसे दी हो, इसको थोड़ा सा उलझा के घुमा के दूं मैं, इस बार हमें एरिया नहीं दिया, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क दिया है, ये वाली आर्क दिया हमें, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है हमें। तो जब हमने एरिया निकाला था तो हमने एरिया को मल्टीप्लाई किया था 360 से। जब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ये जो आर्क होती है ये एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, जैसे एरिया में सेक्टर इस सर्कल का पार्ट था, वैसे जो आर्क है ये पूरे सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, पूरे सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट है। इसमें भी हमें ये डिग्री जो थीटा होती है ये यूज़ में करनी है। तो आप जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो या दी हुई हो, तो आप हमेशा याद रखना सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ ये दो फॉर्मूले कैसे काम करेंगे, जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ सर्किल मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 को। ठीक है, और इसकी अगर वैल्यूज रखें तो एरिया ऑफ सर्किल की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। और ठीक ऐसे ही आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बना के दिखाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। अब हमने यहाँ देखा, जब एरिया की बात थी तो हमने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया था, जब यहाँ लेंथ की बात है, आर्क जो होती है वो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है, तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला बन गया है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बन गया है। अब तक जो हमने एग्जांपल देखे, अब तक हमने जो सीखा उससे जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं उसका एक एग्जांपल करते हैं हम, कि हमने जो देखा वो कहाँ कहाँ काम में आ सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको ये दो चीज़ें गिवन हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल के लिए आपको वो वाला फॉर्मूला यहाँ काम में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो समझना है पहले डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना के समझना बहुत ज़रूरी होगा। देखो, क्वेश्चन में सर्किल है, एक रेडियस है और आर्क की लेंथ दी है हमें यहाँ तक की, यानी दो रेडियस के बीच का जो एरिया है ये फाइंड करना है हमें किसकी हेल्प से, आर्क
एंड रेडियस की हेल्प से। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिएगी, आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें आप याद करो कि जब आपको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, इन सब में आपके पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, 360 तो यूज़ करना ही है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, थीटा नहीं है। तो हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बिना हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में हिंट दिया था कि क्या हिंट दिया हमें क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला आपको पहले से दिया है, तो अब लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब हम सिर्फ थीटा यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे और सबका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ मैं अकेला सिर्फ थीटा छोड़ रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू 4, ये 360 डिवाइड में था, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले आता हूँ 360 अपॉन में जो 2r और पाई, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर इनको डिवाइड में लाना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस था क्वेश्चन में 6। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 120 टाइम्स। यानी क्वेश्चन में हमारा थीटा क्या बन रहा है, 120 अपॉन पाई थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू को हम एरिया वाले फार्मूले में यहाँ पुट कर देंगे। थीटा जो आया हमारा वो 120 अपॉन पाई यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमें एरिया निकालना इजी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू को अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय आर था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू हम यहाँ लिखने वाले हैं 120 अपॉन पाई, और इसके साथ में डिवाइड होगा 360। अब यहाँ आके कंफ्यूज मत हो जाना कि इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो 360 डिग्री है ये सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में है, बाकी सारी वैल्यूज़ ऊपर न्यूमरेटर में है। और इन वैल्यूज़ में एक बार आपको फिर से दिखा दूँ दूसरे कलर से, ये वैल्यू ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं 120 से, लेकिन डिवाइड हो रही हैं पाई से। ठीक है, और एक पाई यहाँ है एक पाई यहाँ है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 6 × 6 × 120 डिवाइडेड बाय 360, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। आप क्वेश्चन देखो कितना ईजी हो गया, 6 × 6 × 120 डिवाइडेड बाय 360। अभी यहाँ आप किसी को मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत ही ईजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल किया, 6 6 या 36 से 36 कैंसिल हो गया, और लास्ट में बचा सिर्फ 12। तो इसका आंसर आएगा 12 cm². अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, जो हमने अभी तक इतनी मेहनत की 12 cm² लाने के लिए, कैलकुलेशन किए, पाई की वैल्यू निकाली, और अब आपको एक फॉर्मूला बना के देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर कब काम करेगा, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन। जब आपको क्वेश्चन में लेंथ दी होगी आर्क की, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ एरिया इज इक्वल हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस। देखो इसको करके देखते हैं अभी कितना इजी है। एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आर्क की थी 4, रेडियस था 6, और 6 × 4 = 24, हाफ मल्टीप्लाई बाय 24, इसको और इजीली हम कर सकते थे 12 cm². ये देखो, अब इतने इजी क्वेश्चन करने के बाद एक हार्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
और उस क्वेश्चन में अब देखना कि मैथ्स कितनी काम में आती है हमें, अगर हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो कितना इजी लगता है हमें। मैथ्स भूलने की चीज़ नहीं है, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग फॉर्मूले काम में ले सकते हैं, आपकी अलग अलग स्टडी को काम में ले सकते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात, इसकी दोनों तीनों साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और इसकी साइड की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर की लेंथ दी है और ये जो वर्टेक्स है यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्वेश्चन में आपको शेप बना के दी हुई है। और इस शेप का आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। फाइंड द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या दिया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें साइड दी है 20 सेंटीमीटर, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिया है और आपको एरिया फाइंड करना है। अब आप कैसे तो एरिया फाइंड करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। आप जो आपको चीज़ें पता हैं यहाँ सारी चीज़ें लगा के देखो, क्योंकि अब आप याद करना जब भी आपको एरिया फाइंड करना होगा। देखो यहाँ 1 2 3 तीन क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं। देखो 1 ये वाला सेक्टर, 2 ये वाला सेक्टर एंड 3 ये वाला सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तो ये बचा हुआ रीजन आ जाएगा। तो मैं समझने के लिए यहाँ क्या समझ सकता हूँ, अब मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ समझने के लिए क्या समझ सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स तो जाके हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये क्वेश्चन इतना करना पड़ेगा। अब आपकी मैथ्स यहाँ क्या काम में आती है, जब आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन होता है तो आपको उसके ईच एंगल निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि उसका ईच एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब हम एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, लेकिन अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब मुझे तो ये भी कंफर्म है कि आपको आधे से ज़्यादा बच्चों को तो फॉर्मूला याद नहीं होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि पढ़ लिया भूल गए। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 × साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में साइड दी हुई थी उस साइड का स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 से, तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। तो ये पार्ट हमें यूज़ करना है, ये फर्स्ट पार्ट हमें यूज़ करना है, और इसमें से यानी ये जो पार्ट है वो ये रहा, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है हमें, इसमें से हमें एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो सबसे पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने का आपको एंगल चाहिए था, एंगल 60 डिग्री गिवन है, गिवन नहीं था हमने इसको ढूंढा है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π r² × θ/360। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो पाई की वैल्यू, हाँ पाई की वैल्यू लेने के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, इस क्वेश्चन में हमें 2 हिंट दिए हैं, पाई इज इक्वल टू हमें 3.14 यूज़ करना है, और ये जो √3 है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.73, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज यूज़ करनी है। अब यहाँ पाई की वैल्यू आप क्या लोगे, 3.14 × रेडियस, क्वेश्चन में रेडियस का पता चल रहा है नहीं, लेकिन जो शेप दी गई है हमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप है, तो ये जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की 20 सेंटीमीटर, ये जो सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि रेडियस, ये रेडियस भी तो है इस सेक्टर का,
ये सेक्टर का रेडियस है और इधर भी रेडियस है और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका हाफ हो रहा है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ यूज़ होगा मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 60/360। ये है हमारा एक सेक्टर का एरिया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा, और अब फिर हम टोटल एरिया में से इन तीनों सेक्टर को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस भी दिया हुआ था, रेडियस गिवन था हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 20 का हाफ ऑफ जो किया है वो रेडियस था क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले हम करेंगे √3/4 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन में साइड कितनी थी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाना है 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60/360। हमें ये वैल्यू माइनस करवानी है तब जाके हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1.73 मल्टीप्लाई बाय 20 × 20 होता है 400/4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 × 100 तो 314 मल्टीप्लाई बाय 60 की टेबल में 360 आता है 6 × 1/6। क्वेश्चन बड़ा इजी होता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है इससे 100 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 3 × 314 × 1/6। नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट हटेगा इसके बाद 173 माइनस, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कभी भी वैल्यूज़ को देख के डरना मत, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना ही आपको इससे इससे डिवाइड करने की जरूरत है। अब गौर से देखो ये 3 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं और क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे ही मिलेंगे जिसमें कोई ना कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से डिवाइड होती होगी, तो 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 3 और ये 314 2 से डिवाइड हो जाएगा 157, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 157। अब आपके पास सिर्फ सिंपल सी चीज़ बची है 173 माइनस 157, इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।